हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हमें काफ़ी लोगों की कमेंट आई है कि हम सप्लाई कैसे चेक करें फ़ोन की, और हमारे पास कोई भी लेट फ़ोन आए तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करें कि हमारे फ़ोन में शॉर्ट है, फुल शॉर्ट है, हमारा कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट है उसको कैसे चेक करें। तो आज मैं आपको कैपेसिटर भी चेक करना दिखाऊंगा कि कैपेसिटर किस तरीके से चेक करें, हमारा मल्टीमीटर से कैपेसिटर को कैसे चेक करें, डीसी मशीन से कैसे चेक करें, वो सभी इस वीडियो में आज आपको मैं सही से समझाऊंगा। आपको एकदम आसान तरीके से कैपेसिटर चेक करना वो भी इस वीडियो में आज आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास कोई भी डेड फोन आता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मल्टीमीटर से आपको चेक करना है उसकी सप्लाई कि हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग है कि नहीं। उससे पहले आपको एक बार चेक करना है कि हमारा फ़ोन में जो चार्जिंग की वोल्टेज है वो वोल्टेज प्रॉपरली आती है कि नहीं। आपको यहाँ पे चार्जिंग को लगाना है और मल्टीमीटर आपको 20 वोल्ट पे सेट करके रखना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपकी क्या वोल्टेज है, 3.7 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्ट या 5 वोल्ट आपकी प्रॉपरली वोल्टेज आ रही है कि नहीं। अगर यहाँ पे आपकी वोल्टेज नहीं आ रही है तो आपकी वीबस की लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपकी वोल्टेज भी प्रॉपरली आ रही है, अगर नहीं भी आ रही है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मल्टीमीटर बीप की मोड में रखना है और उसको आपको चेक करना है कि हमारे फ़ोन में क्या कंडीशन है। तो आपको देखिए, मैं यहाँ पर बैटरी कनेक्टर के ऊपर रखता हूँ तो एक साइड हमारी वैल्यू 360 के आसपास हमारी रीडिंग आ रही है। देखिए दोस्तों, तो अभी हम क्या करेंगे, प्रूफ को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद कितनी रीडिंग आ रही है, हमारी 1100 के आसपास रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये हमारा फ़ोन ओके कंडीशन है। 300 से लेके 600 तक हमारी एक साइड वैल्यू आनी चाहिए और हम प्रूफ को चेंज करते हैं तो हमारी 1000 से ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए। अगर हमारी एक साइड 350 आ रही है और हमने प्रूफ को चेंज किया और दूसरी साइड हमारी 900 या 800 तक आ रही है तो हमारे फ़ोन में लीकेज है, हाफ शॉर्ट हमारा फ़ोन माना जाता है। तो इसके बारे में आप सही से समझ चुके होंगे कि एक साइड आपकी वैल्यू 300 से लेकर 600 आनी चाहिए और प्रूफ चेंज करने के बाद 1000 से ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए। अगर 1000 भी नहीं आ रही है और आपकी वैल्यू आके 1 आ जाती है तो भी आपका फ़ोन ओके माना जाता है। तो इसके बारे में आपको जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। और अभी देखिए, अभी बात करता हूँ दूसरे फ़ोन में, वो भी इसमें आपको दूसरे फ़ोन में मैं चेक करवाता हूँ, उसके बाद लीकेज के बारे में पूरा समझाऊंगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारी 370 के आसपास रीडिंग आ रही है। तो अभी हम प्रूफ को चेंज करते हैं तो हमारी देखिए 1000 से ज़्यादा रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब भी हमारा फ़ोन ओके कंडीशन है। तो एक और फ़ोन में भी आपको मैं चेक करवाऊंगा। देखिए दोस्तों, एक साइड हमारी 1 रीडिंग आ रही है, तो अभी हम प्रूफ को चेंज करके चेक करेंगे कि हमारी दूसरी साइड कितनी रीडिंग आ रही है। तो देखिए, अभी हमारी दूसरी साइड 450 के आसपास आ रही है। अगर एक साइड हमारी 1 आ रही है और दूसरी साइड हमारी 600 से 700 800 तक आ रही है तो भी आपका फ़ोन में हाफ शॉर्ट माना जाता है। तो आपके बारे में, हाफ शॉर्ट के बारे में और एकदम सही कंडीशन के बारे में समझ चुके होंगे। अगर आपके फ़ोन में फुल शॉर्ट होगा तो दोनों साइड आपकी बीप आएगी। तो इसके बारे में जो भी डाउट था वो सभी क्लियर हो गया होगा एकदम आसान तरीके से। तो अभी सबसे पहले आपको कैपेसिटर के बारे में समझाता हूँ, सिंपल तरीके से कैपेसिटर को कैसे चेक करें। हमने मल्टीमीटर को बीप की मोड में रखा है, एक प्रूफ आपको ग्राउंड रखना है, एक आपको कैपेसिटर के ऊपर रखना है। तो एक साइड आपकी बीप आएगी और एक साइड आपकी वैल्यू आएगी। अगर एक साइड रीडिंग आएगी, एक साइड बीप आएगी तो आपका कैपेसिटर ओके है। अगर दोनों साइड आपकी बीप आ रही है तो आपका कैपेसिटर फुल शॉर्ट है। आपको दोनों साइड आएगी बीप तो आपका कैपेसिटर फुल शॉर्ट है। देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके से चेक करना है। एक प्रूफ हमने ग्राउंड रखा है और देखिए दोस्तों, एक साइड हमारी रीडिंग आके चली गई और कभी कभी आती है और दूसरी साइड आपकी बीप आएगी तो आपका कैपेसिटर ओके है। दोनों साइड बीप बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो कैपेसिटर भी आपका समझ में आ गया होगा। तो आपको एक और भी डाउट था कि हमारी जो भी हम कैपेसिटर चेक करते हैं सारे कैपेसिटर शॉर्ट दिखाता है, हमने आईसी को भी निकाल दिया तो भी हमारी लाइन शॉर्ट दिखा रही है, तो उसको कैसे ट्रेस करें कि हमारे कहाँ पर शॉर्टिंग हो सकती है। तो अभी हम क्या करेंगे, डीसी मशीन को 1.5 वोल्ट पे सेट करके रखेंगे और आपको यही चेक करना है कि आपकी सप्लाई कहाँ तक आ रही है, कहाँ तक नहीं आ रही है, वो उसको ट्रेस करना है। तो हम यहाँ पे 1.5 वोल्ट रखेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है वरना आपका बोर्ड डैमेज भी हो सकता है। तो अभी हम यहाँ पे मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करके रखेंगे और हमारा जो भी मल्टीमीटर का प्रूफ है उसको हम यहाँ पे डीसी के साथ कनेक्ट करेंगे और आपको चेक करना है। हम यहाँ पे देखेंगे कि एक प्रूफ हम ग्राउंड रखेंगे और एक हमारे कैपेसिटर के ऊपर रखेंगे।
तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने एक साइड रखा तो हमारी यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, मतलब कि यहाँ तक इसकी लाइन हमारी ओके है। दूसरी साइड हमारी कोई भी वोल्टेज नहीं आएगी क्योंकि वो ग्राउंड के साथ टच है। तो अभी हम आपको आगे में भी चेक करवाएंगे, तो यहाँ पे भी देखिए 1.7 वोल्टेज के आसपास हमारी आ रही है। तो आपको इस तरीके से इसकी सप्लाई को भी चेक करना है, आपकी कहाँ पे शॉर्टिंग है वो सभी आपको डाउट जो भी था वो सब क्लियर हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियो अपडेट डेली लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।